पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल हाल ही में शोएब और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का तलाक हुआ, क्योंकि शोएब की तीसरी शादी हुई। इस खबर के बाद से ही शोएब और सानिया ट्रेन में बने हुए हैं, मगर शोएब अब नए विवाद में फंसते दिख रहे हैं। ये विवाद मैच फिक्सिंग को लेकर है। दरअसल शोएब मलिक इस समय बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने मैदान में कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर शोएब मलिक जमकर ट्रोल हो रहे हैं। शोएब मलिक ने पावरप्ले में गेंदबाजी की। जी हाँ, अब फैंस ने मैच फिक्सिंग को लेकर स्पिन ऑलराउंडर शोएब मलिक के खिलाफ जांच की भी मांग की है। दरअसल बीपीएल में मलिक फॉर्चून बरिशल टीम से खेलते हैं, जिसकी कप्तानी तमीम इकबाल के हाथों में है। बरिशल ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 187 रन बनाए थे। इस दौरान मुशफ्फकुर रहमान ने 78 रनों की पारी खेली। जब खुलना टाइगर्स टारगेट चेंज करने उतरी तो कप्तान तमीम ने पावर प्ले में ही शोएब मलिक से गेंदबाजी करवा दी। इस दौरान मलिक काफी महंगे साबित हो गए। 41 साल के शोएब मलिक ने पारी का चौथा ओवर किया, जिसमें उन्होंने 3 नो बॉल फेंकी। ओवर की आखिरी गेंद पर मलिक ने लगातार 2 नो बॉल फेंकी। दूसरी बार में नो बॉल पर चौका भी लगा, जबकि आखिर में फ्री हिट पर छक्का लगाया। इस तरह मलिक ने मैच में सिर्फ 1 ओवर किया, जिसमें 18 रन लौटा दिए। अब मैच में इविन लुई ने 5 छक्के जड़ते हुए 22 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि अफीक हुसैन ने 36 गेंदों पर 41 रन की पारी खेल दी। विकेटकीपर बल्लेबाज शाइप होप ने 10 गेंदों पर 25 रन जड़े। हालांकि टाइगर के लिए अनामुल हक 44 गेंदों पर सबसे ज्यादा 63 रन बनाकर नाबाद रहे। इस बल्लेबाज ने 3 चौके और 3 छक्के लगाए। तो मलिक ने अपने ओवर की शुरुआत 5 बॉल पर सिर्फ 6 ही रन लिए थे, मगर उन्होंने आखिरी बॉल पर लगातार 2 नो बॉल करते हुए 1 चौका और 1 छक्का खाया। इस तरह आखिरी बॉल पर मलिक ने 12 रन लुटा दिए। इसको लेकर वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। फैंस मैच फिक्सिंग को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर में खुलना टाइगर्स ने 18 ओवर में ही 2 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया। एक तो पर्सनल लाइफ से वैसे ही परेशान है शोएब मलिक, हालांकि पर्सनली तो बेहद खुश है क्योंकि तीसरी शादी कर रहे हैं, लेकिन लोग तो सोशल मीडिया पर उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। दूसरी तरफ मैच फिक्सिंग का भी आरोप उन पर लग रहा है। अब देखना है कि शोएब इसे कैसे निकल पाते हैं।